ओनिका मेहरोत्रा जी, कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए वाकई में विकट स्थिति है। कल तक जिनके साथ एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और आप आज के टाइम में जो बात अरविंदर सिंह लवली ने कही है कि कल तक जिनसे इतनी दुश्मनी थी उनके साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़े, और बताया भी नहीं गया इस गठबंधन से पहले। देखिए, आप प्लीज चंद्र ये समझने की कोशिश करिए कि डिफरेंस ओपिनियन तो होते हैं, दो राय नहीं है। मैं आज भी इस बात को मैं कहूंगी कि अगर शराब घोटाले की जो ये बात कर रहे हैं, अगर इसमें घोटाला है तो किसी को कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी पार्टी हो, लॉ से बढ़कर कोई नहीं, आज भी हम ये मानते हैं। लेकिन जो टाइमिंग से करते हैं, पिक एंड चूज जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उस पर आपत्ति की बात होती है। रहा सवाल कि कल तक जो एक नहीं थे आज एक हो गए, लेकिन लार्जर पिक्चर अगर आप देखें, ये छोटी बैटल्स पिक करने का टाइम नहीं है। समय की मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी उफ चंदा वसूली पार्टी, उफ चंदा दो धंधा लो, इस टाइप की पार्टी जब आ जाती है देश में और देश के जो बंटवारे करने की कोशिश करती है, डिविजिव पॉलिसी लेके आते हैं, देश को हमेशा डिवाइड, एक रिलीजन डिवाइड के आधार पे धकेलना चाहते, ऐसी जो और जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान को बदलने की कोशिश करती है। और जब ऐसी पार्टी को हटाना है तो हमें लार्जर पिक्चर को देखना है, ना कि अपने छोटी बैटल्स को। ठीक है, देखिए ये बैटल्स ठीक है, यानी पंजाब में जो कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है वो छोटी बैटल्स है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुख्य तौर पर फोकस जो है वो केंद्र की लड़ाई पर रखना चाहिए। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, आखिरकार कांग्रेस के साथ ये समस्या आ क्या रही है? आखिर इस तरह भगदड़ क्यों मची हुई है? अरविंदर सिंह लवली जैसा सीनियर नेता जो कि एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से आया है और अचानक से जो इस तरह के बगावती सुर अपना रहे हैं, क्या इसके पीछे समस्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने कई लोगों को सुना भी बात करते हुए कि ये पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में ऐसा हुआ। देखिए, कांग्रेस के ये मूल डीएनए में है। कैसे है? कांग्रेस में किसी भी बड़े नेता को, जनता के नेता को भाव नहीं दिया जाता है। तो पुरानी पृष्ठभूमि ले जाऊंगा, शरद पवार आपको याद है, बहुत बड़े नेता कांग्रेस में हुआ करते थे। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है, कांग्रेस में हुआ करती थी। वायसराय रेड्डी, जिनके पुत्र जगन रेड्डी सरकार चला रहे हैं इस समय आंध्र प्रदेश में, वो कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में बीजू पटनायक, वो भी कांग्रेस में थे, नवीन पटनायक को अपनी पार्टी बना। तो कांग्रेस में बहुत सारे वर्टिकल स्प्लिट्स हुए, क्योंकि वहां पे एक तरह की, हम जिसको कहते हैं गोलबंदी जब तक ना करें कि आपने किसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी खेमे में हैं, आप राहुल गांधी खेमे में, सोनिया गांधी खेमे में है, वेणुगोपाल खेमे में, पहले अहमद पटेल खेमे में थे। तो खेमे के हिसाब से आप नेता बनाए जाते हैं, ना कि उनकी काबिलियत के हिसाब से। तो ये होगा ही होगा कांग्रेस में, और आपको दिखेगा। आपको ही कहेगा पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, शरद पवार तो 40 साल पुराने नेता है, ममता बनर्जी 20 साल पहले छोड़ के चले गई थी। तो कांग्रेस में आपको केवल गांधी परिवार की महिमा को मेंटेन करना है, उनके डिक्टेशन को सुनना है, जो नहीं सुनेगा उस डिक्टेशन को बाहर हो जाएगा। ठीक है, संजय निरुपम ने भी जो बात कही थी कि 5-5 पावर सेंटर है, राहुल गांधी का अलग पावर सेंटर है, सोनिया गांधी का अलग है, प्रियंका जी का अलग है, केसी वेणुगोपाल का अलग है, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी का भी अलग है। ओनिका मेहरोत्रा जी, संस्थागत समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। आप इंडिया जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां तो पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है आप लोगों के यहां। गलत बात है चंदन जी। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, नड्डा साहब नहीं, मैं संजय निरुपम की बात कर रहा हूं। संजय निरुपम ने वो बात कही है, बीजेपी ने नहीं। संजय निरुपम जी कही है, मैं देखिए, हर एक का अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि वन मैन डिक्टेटरशिप चलती है भारतीय जनता पार्टी की तरह। नड्डा साहब है अध्यक्ष और अमित शाह जी कॉल लेते हैं, प्रधानमंत्री जी रैली में कुछ बोलते हैं, इलेक्शन का नोटिस आते हैं नड्डा साहब को। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, अरे आपके पार्टी में भी जो है कोई नेता अगर बयान देगा तो अध्यक्ष को ही आएगा नोटिस। मैम, कांग्रेस में देखिए, हमारे नेता हैं मल्लिकार्जुन जी, हमारे अध्यक्ष हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, हमारे पास नेता हैं। अब इनके पास शॉर्टकमिंग है या नहीं है वो हमारी हेडेक नहीं है सर। As far as Congress is concerned, नहीं, पावर सेंटर की समस्या नहीं है, नेता जो बड़े बड़े छोड़ के जा रहे हैं वो कोई समस्या नहीं है। आज दीपक बाबरिया जी का एक बयान हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। दीपक बाबरिया, जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं अरविंदर सिंह लवली ने, उन्होंने क्या रिबटल किया है, पलटवार किया है, वो भी सुनाते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी बंदा, उसकी कोई ना कोई वजह से, वो भारतीय जनता पार्टी का दबाव हो, कोई डर हो, खुद की कोई जो है कन्वीनियंस की बात हो, पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं रीजंस जो है ढूंढना चाहते हैं, तो उनको जो उचित लगा वो रखा। कोई भी बंद, प्रेम शुक्ला जी, अरविंदर सिंह लवली ने भी पार्टी छोड़ी भी नहीं है, और बाबरिया जी ये कहने लगे कि कोई भी पार्टी अगर छोड़ता है तो उसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार होती है। जब यही, अब बताइए मुझे, कृपा करके इतिहास की बात करें तो आचार्य कृपलानी ने नेहरू जी के विरोध में पार्टी छोड़ी तो जनसंघ जिम्मेदार थी, राजा जी ने पार्टी छोड़ी तो जनसंघ जिम्मेदार थी, इंडिकेट सिंडिकेट बना तो जनसंघ जिम्मेदार थी, चौधरी चरण सिंह ने पार्टी छोड़ी जनसंघ जिम्मेदार थी, हेमवती नंदन बहुगुणा ने छोड़ी जनसंघ जिम्मेदार थी,
जब बाबू जगजीवन राम ने छोड़ी जनसंघ जिम्मेदार थी, शरद पवार ने अलग पार्टी बना ली भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी, ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बना ली भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी, बीजू पटनायक ने अलग पार्टी बना ली भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी। गजब की बातें करते हैं भाई ये, इनके रोज 1950 के दशक से लेकर 2024 तक हर साल इनके कुछ नेता झड़ जाते हैं और तमाम पार्टियां बन जाती हैं जी। ममता बनर्जी को हम लोगों ने छुड़वाया था पार्टी, हालांकि हमारे साथ वो अलायंस में आई थी उस समय, ये फैक्ट है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हमने बनवाई थी, शरद पवार की पार्टी हमने बनवाई थी, हमने जो है देवराज अर्स की पार्टी हमने बनवाई थी, हमने कहा था कि देवराज अर्स अलग पार्टी बनवा लें, नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस छोड़ने के लिए हमने प्रेरित किया था। क्या बातें करते हैं लोग भाई, कहां क्या मतलब, इनको इतिहास भारत का राजनीतिक जो है वर्तमान किसी का ज्ञान शेष बचा है क्या? ठीक है, प्रश्न ये है। ओनिका जी जवाब दीजिए, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं हर बात के लिए, बीजेपी को जिम्मेदार बता करके पल्ला झाड़ लेना काफी नहीं है, अपने दामन में आत्म मंथन करने की भी पार्टी को जरूरत है, और ऐसे समय जब मैं पार्टी अपने एग्जिस्टेंस क्राइसिस से जूझ रही है, अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, तब ये आत्म मंथन और भी जरूरी हो जाता है। चंदन जी, आई थिंक कांग्रेस से बड़ी कोई डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं है जो हमेशा हार हो जीत हो अपने एनालिसिस हमेशा करती है, अनलाइक बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की तो फितरत में रहा है, देखिए वो उनकी तक पावर ही क्या थी, दो चार मतलब ये तो आज 2014 के बाद कहते हैं देश आजाद हुआ, इनकी तो बात ही क्या करनी है, इनको तो कुछ कभी डेवलपमेंट दिखी नहीं इंडिया में, जो हुआ 2014 के बाद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जो भी रही हो पहले, बात यहाँ है कि कांग्रेस हमेशा मंथन करती है, और देखिए कहीं ना कहीं जरूरी नहीं जो पार्टी छोड़ता है या जो अगर पार्टी में जो है सबकी बात सुनी जाती है, और जो चीज लार्जर पर्सपेक्टिव के बेनिफिट देती है उसी पे अमल किया था और डिसीजन फाइनल होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता, और सिर्फ जैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, बाकी लोग अगर बोले तो उनको फिर वो निकाल दिया जाता है, जो भी किया जाता है, या साइडलाइन किया जाता है, या मार्गदर्शन में डाल दिया जाता है, इस तरह से नहीं चलती है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी से काम चलते हैं, और डिसीजन भी इस तरह से लिए जाते हैं। बहुत आप जो है बहादुरी से बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हेमंता बिस्व शर्मा का जिक्र जो है छूट गया, हमारे मेहमानों ने जो बातें कही थी उसमें हेमंता बिस्व शर्मा का जिक्र करना रह गए थे, जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट से एक तरह से कांग्रेस का सफाया करके बीजेपी को वहां स्थापित कर दिया। शांतनु गुप्ता, आखिरकार क्या कांग्रेस के बारे में माना जाता था कि वहां सभी विचारधाराओं की जगह है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हाल फिलहाल में जितने भी नेता अटैक कर रहे हैं पार्टी छोड़ते हुए, ये कहते हैं कि वामपंथी विचारधारा वहां पूरी तरह से हावी हो चुकी है। कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को इतनी तवज्जो देना, दिल्ली में लाकर के उनको लड़ाना, जो आज तक चुनाव नहीं जीते हैं, और अपनी लोकल लीडरशिप को दरकिनार करना, इसी बात का सबूत है। देखिए कांग्रेस की अगर आप इतिहास में भी जाएं तो आपको कोई बहुत बड़ी आपको विचारधारा नहीं दिखेगी कभी। कांग्रेस पहले भी लेफ्ट ऑफ सेंटर थी, अब वो लेफ्ट 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 ऑफ सेंटर ऑलमोस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा हो गई, कि वो मतलब जो ये बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो चाइना ने भी छोड़ दी। अब चाइना भी एक कैपिटलिस्ट, मोस्टली कैपिटलिस्ट कंट्री हो गई, उसके पास पार्टी का नाम कम्युनिस्ट है। तो बिल्कुल जो अल्ट्रा लेफ्ट विचारधारा को उसने अडॉप्ट कर लिया, पहले भी कांग्रेस एक लेफ्ट ऑफ सेंटर हुआ करती थी, और भाजपा के साथ ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता को अगर बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी की रैली में 40 डिग्री में आया, तो उसको उसको जुनून है कि मैं देश के लिए। शांतनु जी, कांग्रेस भी अगर बात की जाए, पैन इंडिया पार्टी तो है ही ना, पैन इंडिया नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक का पार्टी का फुटप्रिंट है। तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से 150 साल से है, और जो आजादी का आंदोलन हुआ उसको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और उसको वो लेके आगे चली, तो उनका फुटप्रिंट है, वो जाते जाते भी समय लगेगा। और जहां पे भी भाजपा वीक होती है एकदम से कांग्रेस आ जाती है, मरी से मरी हाल में भी उनको अभी 19-20% वोट मिलता है। इस बार शायद ऐसी जो अनुमान है सारे ओपिनियन पोल्स में, वो वोटिंग परसेंटेज भी शायद 14-15% रह जाएगा कांग्रेस जी। तो उसको बढ़ाने की बात है, उसको बढ़ाने के लिए आपको कद्दावर नेता चाहिए, आपको कहीं महाराष्ट्र में नेता चाहिए, आपको दिल्ली में नेता चाहिए। यहाँ पे क्या है, केवल राहुल गांधी की ब्रांड मैनेजमेंट है, जो इनका जो मैनिफेस्टो भी आया है उसमें फोटो किसकी है? देखिए मैनिफेस्टो में जो नया पत्र है, लीडर तो किसी भी पार्टी का एक ही लीडर होता है ना सर, सभी सभी का नाम नहीं डाला जा सकता, लीडर तो किसी भी पार्टी का एक होता है, कांग्रेस के राहुल गांधी है। नरेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नरेंद्र भारद्वाज रिस्पॉन्ड करें सर। देखिए मैंने आपको जैसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कड़ी चुनौती दे रहा है। आज देश रियल इश्यूज पे बात कर रहा है, देश कह रहा है कि मोदी जी आपको 10 साल दे दिए हमने, 10 साल में आपने डिलीवरी के नाम पे कुछ नहीं दिया। आज देश मुद्दे पर आ जाते हैं सर, भ्रष्टाचार बढ़ा है।
Z News.